बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होम मेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। घर में अचानक मेहमान आ गए, कुछ समझ नहीं आ रही कि इनकी ऐसी क्या स्पेशल खातिर की जाए कि ये खुश हो जाएं। तो जनाब, आज मैं लेके आई हूँ 10 मिनट में तैयार होने वाली चिकन कोयला कढ़ाई, जो रेस्टोरेंट्स को भी पीछे छोड़ दे और ढाबा स्टाइल कढ़ाइयों को भी पीछे छोड़ दे। और सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में हेल्थ कॉन्शियस लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, तो ये भी डाइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलें वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दियर मेक्स मोर लाइफ कम्फर्टेबल एंड इंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। ये रेसिपी बहुत ही बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तकरीबन 1 किलो चिकन मैंने लिया, जिसके मैंने 12 पीसेस में उसको कटिंग करा ली। ये विद बोन है, ठीक है। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने दही डालनी है। बाद में आपने इसमें बेसिक मसाला यानी कि नमक, मैंने पिंक सॉल्ट डाला। उसके बाद मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला, ठीक है। उसके बाद हल्दी, गर्म मसाला, लाल मिर्च, ठीक है। ये तमाम चीज़ें डाल के, यानी नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालना है। और ये सब चीज़ें डाल के आपने इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा रख देना है। लेकिन अगर आपको जल्दी है, मेहमान अचानक आ गए हैं, तो फिर आपको आधा घंटा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे मैरिनेट करें और बस कढ़ाई में डाल दें, ठीक है। लेकिन मैरिनेट करने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन में सिर्फ 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला। उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज इस तरह से चॉप किया हुआ वो डाल दिया। उसको थोड़ा सा कुक करूँगी। आपने इसको गोल्डन कर लेना है, प्याज को रेड नहीं होने देना। में 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट के ऐड कर दें। साथ में आप इसमें टमाटर डाल दें, उसको भी इस तरह से अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लें। और अब मैंने यहाँ पे सारा चिकन डाल के इसमें इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूंगी। और जिस बर्तन में चिकन मैरिनेट किया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन आधे कप से भी कम, और इसको आपने ढांप के रख देना है 5 मिनट के लिए। चिकन और टमाटर और प्याज अपना पानी छोड़ देंगे, बस आपने उसी में ही इसको पकाना है। टमाटर और प्याज चॉप होने का ये फायदा आपको होगा कि आपको ये बड़ी आसानी से सारे मसाले यहाँ पे देखें आपको मिक्स हुए हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो उनका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन चॉप किया हुआ भी बेहतरीन रहता है। बस अब आप इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहें, भूनते रहें और इस तरह से ऊपर से ढांपते रहें ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए, मसाले अच्छे तरीके से गल के मिक्स हो जाएं। मज़ीद 3 मिनट मैंने यहाँ पे इसको दम दिया था, और दम देने के बाद अब इसे खोल के दोबारा से भून रही हूँ। तीन मिनट दोबारा दम दिया, 3 मिनट के बाद दोबारा इसे निकाला और अब इसको मैं फ्राई कर लूंगी। अब आप ये देखें कि ये मसाला आपको नजर आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छे से इसमें कुक हो चुका है, भुना गया है। अब यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। कश्मीरी लाल मिर्च का ये फायदा होता है कि कलर बहुत ज़्यादा फूड का इन्हेंस हो जाता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा पिंच ऑफ रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दें, अगर कम पसंद है तो कम ऐड करें। अगर ढाबों पे जिस तरह जाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा
इन्हेंस हो जाएगा, ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब बस यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला थोड़ा सा और फिर इसको दोबारा से मैंने इसमें भून लिया। अब आप देख रहे होंगे कि आपको सारे मसाले बिल्कुल इसमें से, इसमें कोई ग्रेवी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि कढ़ाई में ग्रेवी नहीं होती। अब लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन मैंने हाफ कप यहाँ पे पानी डाला ताकि मसाले का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें शामिल हो जाए पानी में। अब यहाँ पे मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली, मैं वैसे सब अपने व्यूवर्स को ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप कोशिश किया करें कि अपने खाने में नमक कम से कम डालें। अब बस जी इसको 5 मिनट दम दिया और 5 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया। नमक ब्लड प्रेशर भी हाई करता है और अगर आप वेट को, आप वेट लॉस करना में आप उसकी ट्राई कर रहे हैं तो वेट लॉस में अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आपका वेट बहुत ज़्यादा स्लोली डाउन होगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला, हरा धनिया डाला और इसको दम पे लगाया और बस जनाब अब मैं यहाँ पे कोयले का धुआं लगाऊंगी। दोबारा से 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लीमू का जूस ऐड किया, लेकिन इसको यहाँ पे अब इतना कुक नहीं करना। एक कोयला गर्म होने के लिए रख दें, जब वो लाल अंगारा बन जाए तो कोई बर्तन रख के या फिर आप इसको डायरेक्ट उस पर एलुमिनियम फॉइल पे भी रख सकते हैं, प्याज नीचे रख के भी। मैंने अपनी वीडियोस में आपको सारे मेथड्स दिखाए हुए हैं। कोयला रखें, इसमें मक्खन डालें और बस ये जैसे धुआं बनेगा तो बस अब आपने इसको दम पे लगा देना है। तो बस जी जनाब बेहतरीन किस्म की कोयला कढ़ाई तैयार है। इसको आप नान के साथ सर्व करें, तंदूर की रोटी या पराठे के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।